बड़ा हिट हुआ सलमान खान का, खास कर देखा 12 महीनों में 12 तरीकों से तुझसे प्यार जताऊंगा रे। ये गाना सुनने के बाद मेरी पड़ोसन अपने पति से बोली, सलमान से कुछ सीखो, 12 महीनों में 12 तरीके से प्यार जताएगा, ये सीखो इससे कुछ। कहती बेचारा, डार्लिंग वो जिससे कह रहा है वो आसीन है और तू आस्तीन है। आसीन मेरे सामने आ जाए, मैं 24 तरीके से प्यार देता हूं, आई एम रेडी। एक सलमान साहब का फैन बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास में गया अपनी सेहत बताने के लिए। कहता है, डॉक्टर मेरी ये बीमारी है मेरी कातिल, इस मर्ज की दवा ना हो पाए। डॉक्टर था शाहरुख खान का फैन, वो ट्रीटमेंट भी वैसे ही कर रहा है। दवाई दो चम्मच चलो, सुबह दो चम्मच चलो, शाम दो चम्मच चलो, ठीक हो जाओगे चलो गो। वो बोला, यार मैं तो जीवन समझ गया, तो रावण निकला। अच्छा यहाँ पे कुछ बाबा के अगर भक्त हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं भी उनकी उनको चाहने वाले ही हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आजकल भाई कुछ भी हो सकता है। यंत्र चले न तंत्र मंत्र, न रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब मिले निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम के लिए आइए, 2000 रुपए लेके आइए, समागम में आइए और कम में समा जाइए। ये जो भी शक्तियां काम करती है, जितने भी शक्तियां काम करती है अपने आप में, चाहे मर्जी आप चाहे जहां भी जाए, जहां से भी आपने जिस तरह से भी चाहे, वो वहां पर भी काम करती है, वो जहां पर भी काम करती है, और वो कृपा वहीं से आनी शुरू हो जाती है, और कृपा जो है वो हमारे लिए बहुत शक्तियां काम करती है। और बाबा बनना कोई आसान बात नहीं है। इतने में आदमी खराब है, रो मत, मेरा नाम खराब हो गया। कैसे बाबा? मेरा नाम है निर्मल सिंह नरूला, और तू रो रहा है। मेरा काम है नहीं रुलाना, तू रो रहा है। बाबा मैं भी आपकी तरह बाबा बनना चाहता हूँ। ये अनपढ़ ने सामने क्यों आ रही भाई, कहाँ तक पढ़े हो? बाबा मैं बीए पढ़ा हूँ। डबल बीए कर ले, बाबा बन जाएगा। डबल बीए कर ले बाबा, कृपा होने शुरू हो जाएगी। एक महिला आ गई, एक महिला की, बाबा बाबा ये मेरा पति है बाबा, इसकी एक आंख खराब हो गई बाबा। ये समोसे क्यों दिखाई दे रहे हैं भाई? बाबा एक तो आप सुबह से बिना खाए भी जब चेयर पे बैठते हो, बाद में भूख की वजह से आपको कभी समोसे दिखाई देते हैं, कभी घोड़े दिखाई देते हैं, कभी खिचड़ी दिखाई देती है, खा पी के बैठा करो। ये मेरे पति की एक आंख खराब हुई, इसको अभी के अभी आंख दो आप। अभी के अभी कहां से मिलेगी भाई, कहां से अभी अभी कहां से मिलेगी? आपके पास थर्ड आई है ना, तो 3 आकृति का दबाव कर दो, 1 आकृति को दे दो। एक आदमी के, बाबा मेरे घर में चोरियां बहुत हो रही है। ये नकली ताला कहां से आ रही भाई नजर के सामने, ब्रांडेड ताला लगाओ। कौन से ब्रांड का ताला लगाओ? उस ऐसा ताला लगाओ जिसमें ईश्वर की शक्तियां हो। ईश्वर की शक्तियां कौन से ताले में है? एक तो हरिशन लगाओ। ईश्वर की शक्तियां हैं, हरि का सन है, या तो गॉडरेज लगाओ। गॉडरेज लगाओ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भगत मानते हैं कि परमेश्वर ही गोदरेज है। घर में 10-10 की गड्डियां रखो, 10-10 की गड्डियां घर में रखना, बहुत वहां पर भी कृपा होती है।
बाबा 10-10 की गड्डियां क्यों? क्योंकि 50, 100 और 500 हजार की गड्डियां तो तुम मुझे दे दोगे आज ही तो कल। पर्स खोलो, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। पर्स खोलो। सर मैं पर्स नहीं खोल सकता। ये तेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। एक टीवी पे रात को सुबह आ जाते हैं वो बाबा जो सबका भविष्य बताते हैं। नवनारायण लाभ होगा, लाभ होगा। मेष राशि, हिमेश नहीं, मेष राशि, मेष राशि वालों आपके जीवन में उतार चढ़ाव है। मेष राशि में सुन ले, तेरे जीवन में उतार चढ़ाव है क्योंकि तू रहता है पच्चीस वाले पे। तुझे सीढ़ी से जाना पड़ेगा और आज तुझे पता चलेगा जीना इसी का नाम है। ऋषिक राशि, ऋषिक राशि वालों, ऋषिक राशि सुन ले, लाभ होगा। आज तुझे तेरे परिवार का सहयोग मिलेगा, तुझे तेरे परिवार का सहयोग मिलेगा क्योंकि तेरा परिवार जानता है आज तेरा पगार है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, लाभ होगा। कन्या राशि वालों, कन्या प्राप्ति का योग है। आज तुम्हारे घर में 20 कन्याओं को जन्म देगी तुम्हारे घर की पुतिया। वैसे से दिन भर बिस्किट खिलाओगे वो 20 किड्स तो देगी और क्या। कर्क राशि, कर्क फर्क, कर्क फर्क, बेड़ा कर्क। आज तुम्हारे लिए लाभ होगा। तुम किसी दावत में जा सकते हो खाने के लिए। अगर फायदा करना है तो एक काम करना, हाथ में एक भूखे और साथ में दो भूखे ले जाओ। कुंभ राशि सुन ले, लाभ होगा। कुंभ राशि वालों, कुंभ के मेले में पिछली बार जब गए थे और जानबूझ के बीवी खोकर आए थे, इस बार मत जाना, मिलने का योग है। और हमारे वन एंड ओनली बाबा रामदेव सुबह सुबह 4 बजे आते हैं योगा से। होगा बाबा रामदेव के पास आगे वाले सब भी चले गए थे एक बार। है ना बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूं? आसन करूं, आसन, सब ठीक होगा। बोले क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंकू। ये 5 दिन बाद पहुंचे कौन सा आसन बता है बाबा। सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको। घर पे गया, सास सोई हुई थी, उसको उठाया और जैसे ही फेंकने वाला था वो मुझ पे गिर पड़ी। बाबा जी के शिविर में देखा एक भालू नाखून घिस रहा है। बाबा ने कुछ देखा, जानवर भी योगा करते। उखड़ा बोला, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। इतना नाखून घिस चुका हूँ कि सर से पांव तक बाल आ गए। एक मारवाड़ी भाई चले गए, भाई जी, बाबा भाई जी, मारे छोरे को कौन सा आसन सिखाया है? वो छोरी ने दुपट्टे खींच रहा है, और तो किसानियां खींच रहा है। हमने उसे दुशासन सिखाया, अब वही करेगा ही। कभी बाबा से ताली बजा, लाभ होता है। एक पहुंच गया ऑफर मिडिल क्लास। क्या लाभ होता है बाबा ताली बजा के? क्या लाभ होता है? हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूं, ना नस ठीक हुई ना नसल ठीक हुई। सबसे आखिर में तो वहां भड़क कर पहुंच गए मद्रासी भाई। बाबा मैंने कौन सा आसन सिखाया? मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर ग्राउंड में किया, कितना मारा। एक तो तू मद्रासी आदमी लुंगी पहनता है और मेरे पास से सीख के गया था शीर्षासन।
और ग्राउंड में करे तो बैठे और ग्राउंड में शीर्षासन करना है तो घर के अंदर से अंदर करो, अंदर से ताला मार के, क्योंकि लुंगी पहनकर शीर्षासन सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, प्रभु रजनीकांत। जिन्होंने कपड़े त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए, उनके भी बहुत सारे भक्त होते हैं। मैंने कहा आप नागा बाबा को बहुत मानते हैं। हाँ, नागा बाबा से आप जो भी मनोकामना कहो वो तुरंत ईश्वर से कह देते हैं और उनकी बात ईश्वर मान लेते हैं। अच्छा, वो कैसे? तो भगवान भी डरता है। तो मैं नागा बाबा से कहा, नागा बाबा जैसे बाबा रामदेव जी एक बाबा है, वो भी अनशन करते हैं, गवर्नमेंट को हिला दिया उन्होंने, आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो नागा बाबा बोले, मैं जब गारमेंट के बारे में सोचता हूँ तो गवर्नमेंट के बारे में सोचता हूँ। तुझे गाना सुनाता हूँ मैं, जोत से जोत। मेरे को नागा बाबा